दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरियर पॉइंट। जैसा आप देख पा रहे हैं, एनएचएम सीएचओ के द्वारा एक और वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों, जो भी नई नई अपडेट होती हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी आपको बताई जाती हैं। कोई भी कैंडिडेट नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर चलें। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो के अंदर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है कहाँ से वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। डियर साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट जारी की गई है और इसमें आप सबके लिए जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आपका 29 तारीख को रहने वाला है। और ये जानकारी आपके लिए पूरी दूंगा मैं आपको। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के द्वारा ये वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। कल जो है शाम को वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। जैसा आप देख पा रहे हैं, काउंसलिंग ऑफ 22 कैंडिडेट, टोटल जो कैंडिडेट हैं वेटिंग लिस्ट में, यहाँ पे 22 कैंडिडेट फॉर्म वेटिंग लिस्ट फॉर्म सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग एट मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, ठीक है, ऑन 29/9/2022। काउंसलिंग कब होने वाली है? 29/9/2022। देखिए आगे जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है, जो MLHP यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थ्रू फॉलोअप पब्लिक नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाला गया है। डेट ऑन 5 और 6 अगस्त एंड 5 सितंबर 2022 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जो देखिए वैकेंसी निकाली गई थी 761 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल दी गई थी पहले भी। जो टोटल यहाँ पे जो काउंसलिंग हुई थी ड्यूरिंग द अर्लियर शेड्यूल काउंसलिंग आउट ऑफ 896, तो सिक्वेंस से जो काउंसलिंग होती आई है वो इसमें बताया गया है। और अभी जो कुछ रीजन बस कैंडिडेट रह गए थे जिन्होंने भी काउंसलिंग नहीं कराई थी, तो देखिए इसमें 14 कैंडिडेट कैसे थे, एबसेंट थे, और टिल टाइम 5 ने ज्वाइन नहीं किया था, 2 मेडिकली अनफिट थे और 1 ने रिजाइन कर दिया था। तो इस तरीके से विच मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटी विद गिवन, दस टोटल 22 कैंडिडेट वैकेंट आर जो है कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग एंड सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको जो है यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट कितनी हैं, 22, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अम्बाला में 2 हैं, भिवानी और जो है दादरी में 1 है, गुरुग्राम। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज, और इतने कैंडिडेट बुलाया गया है। और यहाँ पे जो डेट ऑफ काउंसलिंग 29 को रहने वाली है, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे रहने वाला है। और रिमार्क और जो भी देखिए यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, रिमार्क ओनली प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर्म वेटिंग लिस्ट, ठीक है। जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है प्रोविजनल हैं, ठीक है। टोटल जो कैंडिडेट हैं 22 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया गया है यहाँ पे, तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पिछले जो भी स्टूडेंट्स ने डीबी कराया उससे एक बार आप बात कर लीजिए। यहाँ पे जो है काउंसलिंग 29 को होने वाली है, ठीक है। टोटल 22 कैंडिडेट हैं और आगे इस नोटिफिकेशन अच्छे से आप पढ़ लीजिए, इसमें सारी टर्म एंड कंडीशन दे रखी हैं, ठीक है। तो साथ ही जैसा आप देख पा रहे हैं, टेबल 6 को ओपन कर लिया है और यहाँ पे कैंडिडेट अपना नाम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, कितने कितने उनके नंबर थे, नंबर जुड़े हैं या नहीं जुड़े, जुड़ने के बाद में और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग्स हैं करते हैं वो। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप सबके लिए। दोस्तों, इन सभी जो वेटिंग लिस्ट में जो भी इनका सपना था, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो वेटिंग लिस्ट में, मतलब सब कुछ हो गया हरियाणा में होने के बाद में उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब देखिए वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आ गया है। तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करता हूँ वो बहुत ही खुश होंगे, ठीक है। तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ना गंवाएं, अच्छा, क्योंकि हरियाणा सीएचओ का जो कंडीशन है सबसे बेटर होने जा रही है और सबसे बेटर रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही जानकारी दे पाएंगे दोस्तों, जो भी कोई नई अपडेट होगी जल्दी जल्दी आपको बताया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अपडेट होगा बताया जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।